मैं अभी देवघर जिला के मधुपुर प्रखंड स्थित कांजोर गांव में विद्युतीकरण के नाम पर गाड़े गए पोल के पास खड़ा हूं। इस पोल के गाड़े में 8 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस पोल में बिजली का तार का नसीब तक नहीं हुआ, जिससे इस गांव में रह रहे हजारों लोगों को आज तक बिजली नहीं मिल पाई। हमारे गांव के इर्द गिर्द मतलब जो है अगल बगल वाले आधा किलो एक किलोमीटर दूरी में जो भी गांव है, जैसे निमुआड़ी है, पिंजरा है, मोबाइल इंडस्ट्री है, जगदीशपुर है, इधर हर तरफ बिजली है, लेकिन हमारे गांव बीच बीच में है, वहां पे अभी तक लाइन नहीं। बिजली के कारण मतलब बहुत सारा समस्या है, जैसे अगर रात में बच्चों को पढ़ाने के टाइम में हम लोग लाइट का सुविधा नहीं है, हम लोग लैंटर्न है या डिबिया है उस तरह से हम लोग बच्चों को तालीम देते हैं, इतना तकलीफ करके हम लोग को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और अगर हम लोगों के पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल हम लोग कहीं दूसरे जगह ले जा करके चार्ज करना पड़ता है जिधर लाइन है। मैंने इस संबंध में यहाँ के कार्यपालक अभियंता से बात की तो उन्होंने बताया सामान उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा कि मधुपुर सब डिवीजन में बहुत सारे गाँव को राइट्स की तरह फाइट करना था, परंतु बीच में ही राइट्स गाँव को इनकल्पिट कर दिए, मतलब काम नहीं कर पूरा कर पाई। अब ऐसा किया जा रहा है कि बोर्ड के द्वारा ही उस गाँव को दोबारा इलेक्ट्रिफाइड किया जा रहा है, उसमें भी इसका लिस्ट में नाम है ना, मटेरियल सामान उपलब्ध होते ही गांव का भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। एसडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए, मंत्री साहब को एप्लीकेशन दिए, लेकिन उन्होंने उन लोगों ने हम लोगों को दिलासा दिया कि ठीक है तुम्हारे गाँव में 1-2 महीने के अंदर बिजली आ जाएगा। मेरा आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप हमारे यहाँ के GM PR रंजन को उनके दूरभाष संख्या 9431135850 पर फोन करके दबाव डालें, ताकि वो जल्द से जल्द सामान को निर्गत करें और हमारे इस गांव से बिजली की समस्या को दूर की जा सके। मैं मुकेश झारखंड के देवघर जिला का इंडिया अनहट के लिए।